ताजनगरी आगरा में पिछले दिनों से संघर्ष कर रहे ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मेहनत रंग लाई। आगरा प्रशासन द्वारा शहर में ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जिस लिए हम सब यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, उसका मेन कारण ये है कि हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन जो रोके गए थे सरकार द्वारा 10 तारीख को और 27 तारीख को ग्रामीण के, उसके लिए हमने सब जगह ज्ञापन दिए थे। अपना SSP के यहाँ गए हम, कमिश्नर के यहाँ गए, और हमने आ रहा ये था कि ये जो अनिश्चितकाल के लिए जो उन्होंने बंद कर दिया है ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन, और उससे सारे गरीबों पे बहुत ज़्यादा जो असर पड़ा था और रोजी रोटी पे आ गई थी गरीबों की, तो हमने सब जगह न्यायालय में भी यहाँ पे गए, सबके पास गए, पर किसी ने कोई भी हमारी यहाँ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद 10 तारीख को रोक लगा दी गई आगरा के अंदर रजिस्ट्रेशन पे, और किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपना नया स्टेप लेना जरूरी समझा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में हमने अपील करी, हमने वहाँ पे पिटिशन डाली कि ये जो हुआ है ये गलत है, ये गलत निर्णय है सरकार द्वारा, सरकार के जो बंदे हैं जो उन्होंने निर्णय लिया है ये गलत दिया है, 178 की धारा में जो उन्होंने बंद करा था वो वाजिब नहीं है कहीं से भी, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं बंद कर सकते हैं। बट वो संचालन किसी एरिया का बंद करते वो बात सही थी, पर उन्होंने पूरा आगरा बंद करके ये बहुत गलत करा, जिसके लिए हम न्यायालय गए। न्यायालय ने हमें इसके लिए स्टे का जो एक प्रावधान होता है न्यायालय के पास, वो उन्होंने हमें दिया है, और ये हमने पटिशन डाली थी। उसके बाद 31 तारीख को न्यायालय का ये हमें नोटिस मिला है कि आपको इस जो आपने डाला उनको कि हमें स्टे मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो भी निर्णय हुआ है सारा उसके ऊपर हमें स्टे मिला, 31 तारीख को ये निर्णय आ गया है, और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, पर हम सरकार के साथ हैं। अगर कोई भी सरकार को कोई भी परेशानी है, ट्रैफिक से रिलेटेड उन्होंने ये बंद करा था ई रिक्शा, तो उसके लिए हम सरकार के साथ हैं। हम सब अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानी है और उन्हें कैसे सॉल्व करा जाए, ताकि हम आगे अपना भी काम कर पाएँ और उनको भी परेशानी ना हो। और हम आगरा जनता के साथ हैं कि कोई भी परेशानी अगर होती है ट्रैफिक के अंदर तो उसमें हम भी हैं, ठीक है, और हमें भी हमारा ही पूरा उसमें ये बनता है कि प्रोत्साहन जो सरकार करना चाहती है ई रिक्शा वालों को गाइड करना है या जो भी काम है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए और सरकार के साथ खड़े हों। और मैं विष्णु अग्रवाल, आगरा ई व्यापार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष। आज हमें प्रयागराज हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर, जो रिक्शा पाबंदी लगाई हुई थी आगरा प्रशासन ने, उस पर हमें न्यायालय ने स्टे दिया है। इस स्टे आने से हमारे जो आगरा के डीलर व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिली है। वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, अपने व्यापार को बचाने के लिए परेशान थे, और हमें खुशी है कि हम पदाधिकारियों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उसमें हमने विजय हासिल की है, और आगे की जो रूपरेखा होगी वो सभी लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे का क्या काम करना है। मैं दीपक चौहान, एसोसिएशन का सचिव हूँ। मीडिया बंधु, आपको अवगत होगा कि काफ़ी दिन से हमारी एसोसिएशन इस लड़ाई में काफ़ी तेज़ी से हम लोग सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को बताया और आपके लोगों में से भी काफ़ी सहयोग मिला इस लड़ाई में, लेकिन अंत में जब हमें आगरा प्रशासन से निराशा मिली उसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट जाना उचित समझा। हाईकोर्ट में गरीब की मजबूरी को समझते हुए और गरीब की रोजी रोटी को देखते हुए हाईकोर्ट और माननीय न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। इससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ा है, और ये नहीं कि हम किसी शासन या प्रशासन के खिलाफ हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। अगर वहाँ उन्हें कोई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अगर ख़राब है, तो हम आश्वासन देते हैं कि उनके साथ इस तरीके से काम करेंगे मिलके कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे और गरीब लोगों की रोजी रोटी पर भी फर्क ना पड़े। मैं प्रशांत खेमका, आगरा ई व्यापार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। कोर्ट के द्वारा आज राहत की कुछ मिली है, संदेश है आपका, और किस तरह की आज वार्तालाप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी है आपने? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना, मैं सब मित्रगण और भाइयों को ये बधाई देना चाहूँगा कि हमें कोर्ट के द्वारा राहत मिली है, और उसमें बोला गया है कि जो सरकार, जो अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो बहुत ही गलत दिया गया था,
और उन्होंने हमें राहत देते हुए इस्तीफा दे दिया है और ई रिक्शों का जो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया गया था उसको दोबारा से सुचारू रूप से करने के लिए हमें इस्तीफा दे दिया गया है। सर, इस्तीफा देने पर आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों के यहाँ बहुत उत्साह है। जो गरीब लोग थे, जो लोग रिक्शा लेना चाहते थे और जो चला रहे थे, सबके ऊपर एक आसमंजन की स्थिति थी, क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन हमारा और हमारे जितने भी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबका ये कहना था कि जो भी अधिकारियों ने किया है वो बहुत गलत किया है। धारा जो 178 के तहत उन्होंने जो बंद किया था वो किसी एक रूट को बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरे आगरा शहर के अंदर बंद नहीं कर सकते ये लोग रजिस्ट्रेशन।